भैया देखो, हम लोग आपका मेहमान है और आप मेहमान है, आप ऐसे करोगे? गढ़चिरौली C60 कमांडो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में मेरा देखा था, मेरा ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत हुआ था। मैं एडजस्टमेंट के लिए ले में 2 दिन रुका, टेस्ट हुआ। लेकिन जब हम लोग गए थे खारदुंगला के लिए, तो खारदुंगला 4-5 किलोमीटर पीछे मेरा इतना ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हुआ, तो हमको वहीं पर ही रुकना पड़ा और मैं आगे नहीं जा पाया। वहाँ पर 1.5 घंटा रुकने के बाद जब मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, फिर हम लोग आगे गए। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। वीडियो देखने से पहले आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड प्लीज़ आई नीड योर कमेंट्स। ये लो भाई, देख लो नज़ारा यहाँ के, मतलब ये जो नज़ारा है ना, गजब है। अब यहाँ पे हमको लग रहा है ठंडा, जो बोलते हैं ना असली ठंडा, यहाँ पे लग रहा है। हमने ये ग्लोव्स वगैरह चेंज कर लिया लेकिन हाथ फिर भी काँप रहा है, ये ठंड काम नहीं कर रहा है ग्लोव्स। और अंदर में हम फॉर्मल ये वो बहुत कुछ पहना हूँ लेकिन ठंडा ठंडा अंदर तक घुस रहा है भाई जान। ऐसे गाड़ी भी खींच नहीं रहा है भैया, 28, 29, 30 तक गाड़ी जा रहा है। बर्फ़ है भाई जान, बर्फ़ है हर तरफ, बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़। अभी हम लोग थोड़ा खरदुंगला के आसपास हो गए हैं, इसलिए हर जगह पे हमको बर्फ़ ही बर्फ़ मिल रहा है। आगे जाएंगे तो बर्फ़ के साथ थोड़ा सा खेलेंगे, हम लोग बर्फ़ में खेलेंगे। और यहाँ पे भाई लोग वाटर क्रॉसिंग था लेकिन थोड़ा सा सूख गया, नहीं तो अगर दिन में आते तो ये बर्फ़ पिघल के बहुत बड़ा वाटर क्रॉसिंग हमको मिलता। अब मैं आपको दिखाता हूँ जन्नत किसे कहते हैं। देखिए ये बोलते हैं जन्नत, इसको बोलते हैं जन्नत भाई लोग। मैं मिस करा मेरे फैमिली को, काश मेरे पास मेरे फैमिली होती तो वो भी ये सब को एंजॉय करते, बहुत अच्छा लग रहा है। खास करके मेरे बहन को इससे बहुत अच्छा लगता है। और कितना ठंडा है यहाँ पे, कितना बर्फ़ है भाई लोग। भाई साहब ये देखिए बर्फ, अब यहाँ पे हर जगह हमको बर्फ ही बर्फ दिख रहा है। और इसके ऊपर से ये खतरनाक रोड, ऊंचाई, बर्फ और ठंडा। और भाई साहब ये शुक्र है कि अभी ब्लैक आइस नहीं है, अगर ब्लैक आइस होता तो फट जाता हम लोगों का, गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाता। लैंडस्लाइड हुआ है, देखो पत्थर ऊपर से गिर के नीचे आया है, तो यहाँ पर गाड़ी भी देख के चलाना होता है। लो हम पहुंच गए खारदुंगला में, हम अभी पहुंच गए खारदुंगला में, पूरा खारदुंगला का टॉप। और अभी ऊंचाई करीब 18,000 समथिंग 19,000 फीट के आसपास है। अब यहाँ पे ठंडा, मतलब बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ठंडा। मैंने यहाँ पे ग्लोव्स निकाला, हाथ पूरा जम रहा है। अब देखिए यहाँ का नज़ारा पूरा, लोग कैसे मज़े कर रहे हैं इसके ऊपर चढ़ के। हमको तो स्पेस ही नहीं मिला ऊपर चढ़ने का। पर हम बर्फ में नहीं चढ़ पा रहे हैं क्योंकि मैं जितना टाइम ऊपर चढ़ने का ट्राई किया मेरा पैर फिसल गया, एक जगह पर गिर गया मैं। अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, करना भी रेडी हो गया है, अभी ग्लोव्स वगैरह पहन के निकलेंगे। मैं आपको हर तरह का नज़ारा दिखाता हूँ, देख लीजिए। और यहाँ पे बहुत सारा बाइकर्स है,
देखिए महाराष्ट्र से है एक हमारे एक भाई गढ़चिरौली C60 कमांडो और वहाँ पे भी देखिए लड़के ही नहीं लड़कियाँ भी बहुत सारा राइडिंग करके यहाँ पे आते हैं। वहाँ पर भी एक बाइक है, बहुत सारा बाइकर्स यहाँ पे है और लड़के ही नहीं लड़कियाँ भी बहुत सारे यहाँ पे बाइक लेके आते हैं। और बस मैं मेरे फैमिली को ये कहना चाहूँगा ना, जब मेरी मम्मी बहन हमेशा मेरे को टोकती रहती है मत जा, लेकिन देखो यहाँ पे बहुत सारा है, कुछ नहीं होगा मेरे को, अगली बार मैं फिर से आऊँगा वो भी सोलो में। चलो भाई हम अभी यहाँ से निकलते हैं, करीब 15-20 मिनट यहाँ पर रुक चुके हैं अगर गाइड लेने के, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ही रुके, उससे ज़्यादा रुकेंगे तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। और भाई यहाँ पे गाड़ी का बैटरी का और मोबाइल का बैटरी सब बहुत जल्दी से डाउन हो रहा है। अभी चलते हैं खारदुंगला से नीचे। भाई थोड़ा साइड दे दो, देखो भाई कितना लोग आए हैं भाई यहाँ पे, कितना लोग है खारदुंगला में, लोग ही नहीं बहुत सारे बाइकर्स देख सकते हो, कितना बाइकर्स है यहाँ पे। और हिमालयन का तो यहाँ पे भंडार है हिमालयन का। हम अभी पीछे जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ भी बाइकर्स से तो यहाँ पे आ रहे हैं। कान्हा आगे है और भाई देखो ये नज़ारा, देखो भाई साहब नज़ारा देखो। हम लड़के होके डर रहे हैं, इतना सारा लड़कियाँ यहाँ पे घूम रहे हैं। तो भाई देख लो ये है यहाँ का बर्फ जो मैं कान्हा को देने वाला हूँ और ये है और एक बर्फ जो कान्हा को फेंकने वाला हूँ। भाई मेरा हाथ, ओए और बर्फ में मैं पैर घुसने वाला हूँ, मेरा पैर घुस गया बर्फ में, ये है मेरा पैर, ये है मेरा दूसरा पैर, देख लो। अभी मैं यहाँ से रोहट के टिक्के जैसे मैं अभी इतना सारा बर्फ उठाऊँगा उठा के कन्नों को मारूँगा, हाथ जम गया भाई, हाथ जम गया मेरा। देख लो भाई सब कितना बर्फ है यहाँ पे, बर्फ कहाँ भाई, पूरा पहाड़ी बर्फ से घिरा हुआ है। उसको सलाम और शुक्रिया एवरीथिंग जो मेरे को यहाँ पे लेके आया, मैं मेरे बाइक को भी थोड़ा सा बर्फ़ दे देता हूँ, बर्फ़ में खेलना मेरे भाई, मेरे बाइक को भी थोड़ा सा बर्फ हो गया मज़ा, अब निकलते हैं। और भाई यहाँ पे तो लाके से रोड में भाई जान गाड़ी पूरा फिसल रहा है। गाड़ी भाई जान बलाका इसमें, मतलब देख के गाड़ी चलाना पड़ता है, मेरे बूट में बर्फ घुस गया। देख रहे हो भाई यहाँ पे कितना बर्फ, बस ये वाटर क्रॉसिंग वगैरह आ गए, दो कपल जा रहे हैं यहाँ पे, हमने बहुत सारे कपल को देखा जो आए, पर कपल नहीं लड़कियाँ भी बाइक लेकर यहाँ पे राइड में। पोखे तो पानी आगे बैठ दो, लद्दाख का मुझे कुछ
अरे थोड़ा तो देखो, साइड में गाड़ी है और ये गिर जाता, ये अभी गिर जाता। भैया देखो, हम लोग आपका मेहमान है और आप मेहमान है, आप ऐसे करोगे? और भाई एक छोटा सा कांड हो गया, पानी गिरा दिया। और ये भाई देखो, देखो भाई साहब, ये देखो बर्फ अभी नीचे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम कुछ ज़्यादा टाइम ही रुके, मोर देन 30 मिनट इज नॉट अलाउड हियर बिकॉज ऑफ, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा टाइम यहाँ पे हमको रुकना नहीं था। भाई ये देखिए बर्फ़ का नज़ारे, मतलब हर तरह बर्फ ही बर्फ़ है। जो हम लोग उड़ीसा के हैं ना, वहाँ पे हमको बहुत गर्म होता है, मतलब ये सब तो हमारा नसीब में नहीं है। तो मैंने पहली बार बर्फ़ को इतने नज़दीक से देखा, जब मैं नेपाल लौट गया था तो बर्फ़ देखा था, लेकिन दूर से इतने नज़दीक से बर्फ़ नहीं दिखा था। लेकिन जब यहाँ पर आया ना, मैं कसम दिल्ली खुश हो गया। रखो, ये देख लो मेरा पीछे का नजारा, और ये मेरा पीछे कितना बर्फ है। अभी हम लोग ऊपर चढ़ने वाले हैं, देखो ये ऊपर चढ़ गया, अब मैं भी ऊपर चढ़ूंगा, ऊपर चढ़ेंगे फोटो खींचेंगे, चलते ऊपर। बाइकर्स आ रहे हैं यहाँ पे भाई, अभी इन लोगों को देखकर ही इंस्पिरेशन आता है भाई। अभी ये जो मजा है ना, मतलब बोल नहीं सकते, लद्दाख हर बाइकर का सपना होता है, और आज मैं लद्दाख पूरा कर लिया। ये है बाइकर्स भाई, भाई देख लो, ये है मजा नहीं लाइफ। और अब देखा तो ये जो अभी हमारा बर्फ में खेलना कूदना सब खत्म हो गया, अभी भूख भी लगा है, फिर जा रहे हैं कहीं पर थोड़ा खा लेंगे, क्योंकि ये जो खाली हाथ से भाई बर्फ पकड़े ना, क्या बताए, मतलब ग्लोव्स के ऊपर बर्फ़ पकड़ते तो ग्लोव्स थोड़ा गीला हो जाता है, कम गीला होता है लेकिन थोड़ा गीला होता है, और जहाँ पर गीला होता है ना, मतलब वहीं से चुभता है। अगर खाली हाथ से पकड़ते हैं तो सडनली अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद मेरे भाई ऐसा लगता है कि हाथ जम गया, मेरा हाथ जम गया बर्फ़ से पूरा। तो बहुत खेलना कूदना हो गया, अभी चलेंगे हम लोग खाएँगे, खाने के बाद जाएंगे नुब्रा की तरफ, बिस्किट। चलिए चलते हैं।